प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना दे अधीन देश दे चोणवें सरकारी स्कूलों नूं मिली सहायता वजो पहली किश्त अते 12 भारतीय भाषावां विच अनुवाद कीतियां सिख्या अते हुनर कोर्सां बारे किताबां जारी भी कीतियां। कौमी सिख्या नीति 2020 दे 3 साल पूरे होने मौके नवी दिल्ली के प्रगति मैदान च कौमी सिख्या सम्मेलन का उद्घाटन करदिया प्रधानमंत्री ने इस विच हिस्सा लैन आए छोटे छोटे बच्चों नाल भी गलबात की। उन्हां प्रगति मैदान च लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी। मगरों विद्यार्थियों अते होर उग्गियां शख्सियतां नूं संबोधन करदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गौरव की गल है कि भारत मंडपम दी उसारी तो बाद इत्थे पहला समागम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मात भाषा विच सिख्या देना नौजवानों नाल न्या होवेगा। उन्होंने कहा कि भाषा के आत्मविश्वास नाल नौजवानों की प्रतिभा होर निखर के सामने आवेगी। उन्होंने कहा कि सानू ऊर्जा नाल भरी एक नौजवान पीढ़ी का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि सिख्या ही है जिस विच देश नू सफल बनाने की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख्या लई संवाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अज तो शुरू हुई सिख्या समागम की यात्रा च एक सुनेहा लुकिया होया है। यह सुनेहा है पुराना अते आधुनिकता दे संगम दा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौमी सिख्या नीति ते मिशन मोड तहत काम किया गया है। विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है। और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम होगा। इस मौके बोलदिया केंद्रीय सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनईपी भारत नूं सिख्या आधारित अर्थचारा बनाने की समर्था रखता है। समावेशी है, सर्व सुलभ है, सर्वस्पर्शी है, न्यायमूलक है। इसे 2 दिवसीय मंथन में से जो अमृत निकलेगा वो अमृत काल में अमृत पीढ़ी को ही मिलेगा, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेगा।